नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो कि लगातार उटपटांग और उलझुल बयानों के लिए जाने जाते हैं, संसद के अंदर झूठ बोलने को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं और कई बार तो निशिकांत दुबे एक्सपोज भी हो चुके हैं। उनका झूठ जो है वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं लेते और एक बार फिर से उन्होंने संसद के अंदर झूठ बोला है। और इस बार निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी को लेकर भरी संसद में झूठ बोला और उससे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला जी इनको रोकते नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं जो कि खामोश रहते हैं। जिस तरह वो विपक्षी सांसदों को टोकते हैं, रोकते हैं कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में सदन में बात नहीं होगी, तो प्रियंका गांधी भी तो लोकसभा की अभी सदस्य नहीं है और उसके बावजूद उनका नाम संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर लिया जाता है। ऐसे में ओम बिरला की भी धज्जियां उड़ाई गई है, कांग्रेस ने उड़ाई है और साथ ही साथ निशिकांत दुबे का झूठ कैसे एक्सपोज हो गया है एक एक कर आपको बताएंगे। पहले निशिकांत दुबे का बयान सुनिए, बयान क्या, वो झूठ सुनिए जो संसद के अंदर बोला गया। इस देश का कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो अंबानी के शादी में नहीं गया? कौन ऐसा आदमी है? इनके पार्टी के जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, क्या वो शादी में नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? तो निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में गई, जबकि उस दिन प्रियंका गांधी तो देश में भी नहीं थी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किसी ने भी इस शादी में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि मुकेश अंबानी ने बाकायदा घर पर जाकर इनविटेशन दिया था, पर गांधी परिवार की तरफ से कोई नहीं गया। लेकिन निशिकांत दुबे ने अब आरोप लगाकर नया सियासी बवंडर शुरू कर दिया है। इस पर सुप्रिया शुन्नेत ने कैसे निशिकांत दुबे के झूठ को एक्सपोज कर दिया और ओम बिरला को भी सुनाया है, वीडियो देखिए। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, वो इस बीमारी का शिकार है। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहां थी ये आपके गृहमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। असलियत यह है कि फर्जी मुकदमा आपके ऊपर डिग्री का चल रहा था और आप लगातार झूठ बोलते हैं संसद में। एक और बात है, प्रियंका गांधी जी अभी तक लोकसभा की सदस्य नहीं है तो उनका नाम लेना प्रिविलेज का भी मामला बनता है। लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि सभापति महोदय को, वैसे तो अंबानी अडानी का कोई नाम ले ले ऑपोजिशन से बड़ी आफत मच जाती है। यहां पे अंबानी विवाह की बात क्यों हो रही है और क्यों एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो लोकसभा की सदस्य नहीं है, प्रियंका गांधी जी का? तो मैं कहना चाहती हूं कि निशिकांत दुबे, ये गंदी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, संसद में झूठ बोलना छोड़ दीजिए। कब तक फैक्ट चेक होते रहेगा? इतनी गलीच हरकतें क्यों करते हैं आप? प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल नहीं हुई थी और ये झूठ आपने संसद में उनका नाम लेकर बोला है। कान पकड़ के माफी मांगिए, लेकिन प्रिविलेज का मामला तो आपके खिलाफ बनता ही है। तो सुप्रिया शुन्नेत ने कहा कि प्रियंका गांधी अंबानी की शादी में कतई शामिल नहीं हुई थी। निशिकांत दुबे को झूठ बोलने की लत है, लेकिन ये प्रिविलेज का भी मामला है। साथ ही साथ उन्होंने ओम बिरला को भी निशाने पर लिया और कहा कि कोई अंबानी अडानी का नाम ले ले संसद में, तब तो बड़ी आपत्ति होती है। तो प्रियंका गांधी भी लोकसभा की सदस्य नहीं है और उनका नाम लिया गया तो स्पीकर ने टोका तक नहीं है। जाहिर सी बात है कि पिछली बार जब राहुल गांधी बात कर रहे थे अंबानी अडानी के बारे में, तब जो है बोला गया था स्पीकर महोदय की तरफ से कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में नहीं बोला जा सकता। तब राहुल गांधी ने A1 A2 नाम लेकर संबोधित किया था अंबानी और अडानी को, लेकिन अब जब निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी का नाम लिया तो एक बार भी नहीं टोका गया अध्यक्ष की तरफ से। मैं सुप्रिया शुन्नेत के अलावा निशिकांत दुबे के इस झूठे बयान के बाद KC वेणुगोपाल ने भी संसद में क्या कुछ कहा है, सुनिए। Every time, Mike sir, yes. Sir, every time Honorable Chair allowed Nishikant Dubey to speak. Whenever he spoke in the house, he spoke only lies only. Last day he spoke about Priyanka Gandhi ji, not was a member of this house. आपके माने सदस्य ने कहा, sir, 1 minute sir. Priyanka Gandhi ji, not a member of this house. He told in this house that Priyanka Gandhi ji attended Adani Ambani's marriage.
which is totally wrong, sir. तो केसी वेणुगोपाल ने संसद में खड़े होकर ओम बिरला से कहा कि निशिकांत दुबे ने सरासर झूठ बोला। और बड़ी बात यह है कि जब केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे तो कैमरा ओम बिरला पर था, ना कि उन पर। क्या देश की संसद में ये व्यवहार होना ठीक है? एक सांसद क्योंकि वो सत्ता पक्ष का है, वो कुछ भी बोल सकता है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता है केसी वेणुगोपाल, जब वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो उन पर कैमरा भी नहीं गया। इस पर सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि 27 सेकंड के वीडियो में केसी वेणुगोपाल जी निशिकांत दुबे के झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे, लेकिन 22 सेकंड ओम बिरला जी को दिखाया गया। क्यों? निशिकांत दुबे ने झूठ बोला लेकिन स्पीकर ने नहीं टोका। क्यों? प्रियंका जी लोकसभा सांसद नहीं है, उनका नाम लिया गया, स्पीकर ने कुछ नहीं बोला। प्रियंका जी अंबानी के यहाँ विवाह में नहीं गई, निशिकांत दुबे ने झूठ बोला, क्यों? तो ये तमाम सवाल जो है वो सुप्रिया सुनेत की तरफ से उठाए गए हैं। और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसको लेकर निशाना साध रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी और बीजेपी सांसद पर भी। भाजपा भारत की ही नहीं शायद पूरी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी हो गई है क्या? इसके सांसद, इसके कार्यकर्ता, इसके दो दो रुपए के ट्रॉल, इसके प्रवक्ता, मंत्री, संतरी सभी लगातार झूठ की मशीन बने हुए हैं। संसद के बाहर तो हमेशा झूठ बोलते ही हैं, लेकिन भारत की सबसे झूठी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज संसद में भी झूठ बोला कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी अंबानी जी के यहां शादी में गई थी। बिल्कुल नहीं गई थी, सब लोग जानते हैं और भारत की सरकार जानती है कि उस वक्त वो विदेश में थी। इसके बाद भी इस तरीके का झूठ जब भारतीय जनता पार्टी फैलाती है तो उसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है, और विशेष रूप से सदन में तो ये प्रिविलेज बनता है, प्रिविलेज का मोशन बनता है, क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सदन की सदस्य नहीं है। इनके ऊपर इस तरीके का नीच और निर्लज्ज आरोप लगाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की कारस्थानी भी बताता है, सभ्यता भी बताता है, संस्कार भी बताता है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे आचरण से अपने आप को जनता में अस्वीकार्य कर रही है, और जनता में झूठे आरोप लगा करके कहीं ना कहीं हम लोगों को जो बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रही है उसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है किसी को भी नहीं लगता कि किसी भी तरह की कार्रवाई होगी या सदन में माफी मांगेंगे निशिकांत दुबे, क्योंकि पिछले भी कई बार वो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, उठपटांग बयान दे चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, लेकिन पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला और निशिकांत दुबे बुरी तरह से घिर चुके हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।